तो दोस्तों ये मोगरा का फूल है और ये मेरी छत में गमले में हो रखा है और इसमें बहुत सारी कलियां देख सकते हैं आप, बहुत सारे फूल देख सकते हैं आप खिल रहे हैं। तो आज मैं मोगरा के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं कि आप भी अपनी छत में गमले में मोगरा के फूल को कैसे उगा सकते हैं, इसके पौधे को कैसे उगा सकते हैं और कैसे आप ढेर सारे फ्लावर इससे ले सकते हैं। तो अब कटिंग के बारे में आपको बता देता हूं कि इसकी कटिंग मैंने जनवरी में करी थी और अब जो है अप्रैल का महीना है, अप्रैल में देखिए आप कितनी सारी कलियां इस पर खिली हुई हैं और अभी फूल कम है, कलियों से भरा हुआ है, फूल तो अभी सिर्फ 1-2% है लेकिन कलियां इसमें बहुत ज़्यादा आ रखी हैं। तो ये फर्स्ट सीजन, ये पहली बार जो अप्रैल में इसमें फूल खिल रहे हैं, तो अप्रैल मई जून 2-3 महीने इसमें फूल रहेंगे। तो सबसे पहले टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं मोगरा के बारे में कि आप लोगों ने इसको जो है रखना कैसे है। रखने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में आप पूरा देख सकते हैं कि नींबू के पौधे हैं और ये मोगरा का फ्लावर आप देख सकते हैं और इधर बहुत सारे पौधे आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको धूप में ही रखना है, इसको छाया में नहीं रखना है। और अब गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो इसके लिए आप ऊपर से ग्रीन नेट लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये ग्रीन नेट लगा रखा है मैंने और इनमें छाया रहती है और यहाँ पर दिन भर धूप है। तो बिल्कुल दिन भर धूप से बचने के लिए ग्रीन नेट आप लगा सकते हैं और ये ग्रीन नेट जो है कम से कम 30% धूप को काट देगा और आपके पौधे को ज़्यादा जो है गर्मी नहीं मिलेगी। और इसका कारण ये भी है कि जितने भी पौधे मैंने उगाए हैं ये सब प्लास्टिक, जो ये प्लास्टिक की बोतलें हैं उन्हीं में उगाए हैं, तो ये प्लास्टिक की बोतलें गर्मी में गर्म जल्दी हो जाती हैं, इस वजह से मुझे ग्रीन नेट लगाना पड़ा है। अगर आपके पास मिट्टी के और सीमेंट के गमले हैं तो शायद ग्रीन नेट की ज़रूरत न पड़े, अगर धूप दिन भर नहीं रहती है तो, अगर दिन भर रहती है तो आपको ग्रीन नेट लगाना पड़ेगा ताकि पौधा आपका सही और सुरक्षित और अच्छा रहे। तो सबसे पहला टिप्स कि आपने रखना कैसे, धूप में रखना है लेकिन ऊपर से ग्रीन नेट जरूर लगाएं ताकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा गर्मी न मिले। दूसरा क्या आप देख सकते हैं मेरा पौधा बिल्कुल हेल्थी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है और इतने फूल हो रहे हैं, ये पहला सीजन है, ये अभी ये फ्लावरिंग है, जनवरी में मैंने इसकी कटिंग करी थी और ये पहला सीजन है इसका फ्लावर का और पहले सीजन में आप देख सकते हैं कितने इसमें फूल आ रहे हैं, पूरा पौधा भरा पड़ा है पीछे से भी और इधर से भी, तो इतने फूल जो आ रहे हैं इसमें, तो इसमें बीमारी न लगे उसके लिए आप बीच बीच में नीम की पत्तियों की खाद बना के और नीम के पत्तियों का कीटनाशक बना के इसमें छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पौधा इतना बड़ा हो रखा है तो इसमें आपने खाद क्या क्या देना है, देखिए ये खाद आप देख सकते हैं, इसमें मैंने में एक बार आपको गोबर की खाद देनी पड़ेगी और लिक्विड खाद है, अगर खली की खाद है तो उसको भी आप एक महीने में एक बार दे सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ देनी है, या तो गोबर की खाद देनी है या खली की खाद, खली के साथ तो 2-3 महीने में एक बार दो, गोबर की खाद भी ऐसे ही दे दो, तो महीने में एक बार इसको खाद देनी है। और मिट्टी इसकी 60% मिट्टी होनी चाहिए इसमें और 40% खाद होनी चाहिए, खाद में कोकोपीट हो गया, गोबर हो गया, घर का कूड़ा हो गया, इस प्रकार की कई खादें आप इसमें ले सकते हैं। तो दूसरा दोस्तों गमला आपने ये कैसे लेना है, तो मेरा जैसे ये गमला आप देख सकते हैं कि मेरे सारे प्लास्टिक के गमले हैं, तो आप मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं, सीमेंट का गमला भी ले सकते हैं, तो वो गमले गर्म कम होते हैं तो इसलिए गर्मियों के लिए वो सही होते हैं और ये जो प्लास्टिक के गमले हैं वो गर्म जल्दी होते हैं। तो मेरे पौधे जो है बहुत सारे पौधे हैं और इनको मैंने बहुत क्लोज रखा हुआ है तो ये गर्म कम होते हैं और ऊपर से ये ग्रीन नेट लगा रखा है तो इसके लिए इसमें जो है पौधों के लिए गर्मी थोड़ा सा कम होती है। तो आप दोस्तों इसे पानी जो आप डालोगे, इसे पानी आप दिन में 2 बार भी डाल सकते हैं और ऊपर की मिट्टी देखनी है आपने, अगर ऊपर की मिट्टी सूख गई तो पानी तो डाल दें उसमें, इसका मतलब इसको पानी की कमी है, इस मिट्टी में नमी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे मोगरा का फ्लावर कितना बढ़िया फूल दे रहा है, तो आप भी अपने गार्डन में मोगरा जरूर उगा सकते हैं। और उगाने के लिए भी बता देता हूँ मैं, जो इसकी टहनी है नीचे से, आप इसकी टहनी से एक टहनी निकाल के और दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, नया पौधा भी तैयार हो जाएगा इसमें और पुराने पौधे से आप बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। और कलियाँ अभी फूल कम आ रहे हैं लेकिन कलियाँ इसमें भरपूर हैं, ये 2-4 दिन में सारी कलियाँ ये खिल जाएंगी, इतनी सारी इसमें कलियाँ आ रही हैं और फूल अभी
कुछ कम आ रहे हैं फूल, तो खिलने कुछ खिल गए और कुछ खिलने वाले हैं, लेकिन कलियां ढेर सारी कलियां हैं, आप देख सकते हो कलियों से ये पौधा भरा हुआ है बिल्कुल। तो आप भी अपने गार्डन में ये फ्लावर जरूर लगाएं, और इतनी बढ़िया सुगंध रहती है इसकी, अगर सुबह में छत में आता हूँ तो पूरी छत में इसकी खुशबू फैली हुई रहती है। तो बहुत ही बढ़िया फ्लावर है ये, और इसको छत में जरूर लगाएं, बहुत ही अच्छा बहुत सुंदर ये फ्लावर लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।